The question given is if n minus 1 p3 divided by n plus 1 p3 is equal to 5 by 12. तो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू. अब a p b होता है, इसका फॉर्मूला था a फैक्टोरियल अपॉन a माइनस b फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, सो बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल होल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 बाई 12. तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 बाई 12. तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 5 बाई 12 हमें गिवन है. दैट मीन्स n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 12. तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5 n प्लस 6 अपॉन n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5 बाई 12. दैट मीन्स 12 n स्क्वायर माइनस 60 n प्लस 72 इज इक्वल टू 5 n स्क्वायर माइनस प्लस 5 n. तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 5 7 एन स्क्वायर माइनस 55 एन प्लस 72 इज सॉरी माइनस 65 एन प्लस 72 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 7 एन स्क्वायर माइनस 72 एन प्लस 7 एन प्लस 72 इज इक्वल टू 0. इससे हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया. तो इसको हम लिख सकते हैं 7 एन स्क्वायर माइनस 57 एन माइनस 8 एन प्लस 72 इज इक्वल टू 0. या हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 65 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 72 अपॉन 2 इंटू 7. दैट इज n इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 4225 माइनस ये हो जाएगा 2016 अपॉन 14. दैट इज n इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 15 माइनस 6 9 0 2 2 अपॉन 14. तो ये हो जाएगा 65 प्लस माइनस 47 अपॉन 14. तो एक साइड पॉजिटिव साइड लेते हैं, तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 65 प्लस 47 बाई 14. दैट इज 5 प्लस 7 12 एंड 6 प्लस 4 10 11 2 बाई 14. इसको डिवाइड करते हैं पहले 2 से, तो ये 56 टाइम्स, ये 7 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, तो ये 8 आ गया. नेगेटिव साइन लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 65 माइनस 47 बाई 14. दैट इज 15 माइनस 7 दैट इज 8, तो 18 बाई 14 दैट इज 9 बाई 7, तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. तो हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.